डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, ये चैप्टर 12 है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये क्लास 5 का मैथ बुक है और इसमें टाइम मापने के बारे में बताया हुआ है। तो टाइम के बारे में हम लोग जानते हैं, वो सेकंड से शुरू होता है। सेकंड हो गया और सेकंड के बाद मिनट आता है, यहाँ पर दिया हुआ है। मिनट हो गया, आवर्स हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, इस तरह से दिया हुआ है। घड़ी में जो सुई होता है उसको हैंड्स बोला जाता है। उसके बाद अगर उस टाइम से आगे बढ़ते हैं तो डेज आ जाता है, दिन हो जाता है। और सेवन डेज लेते हैं तो सेवन डेज मेक ए वीक, एक सप्ताह बना देता है ये वीक। तो यहाँ सप्ताह का नाम दिया हुआ है। और उससे आगे बढ़ते हैं तो वीक्स के बाद मंथ आ जाता है, जनवरी फरवरी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। 12 मंथ होता है और 12 मंथ को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो ईयर्स बन जाता है, एक साल बन जाता है। तो पूरा चैप्टर में इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और इसी को कन्वर्ट करने के लिए देगा कि ये वीक है उसको ईयर बनाने में कितने वीक लगेंगे, या पूरा एक ईयर है तो उसमें कितने वीक्स बनेंगे, कितने मंथ बनेंगे, कितना मिनट है तो फिर वो कितना आवर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह का इसमें क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्जन ऑफ लोअर यूनिट इनटू हायर यूनिट। इसमें यूनिट्स के बारे में पहले बता चुका हूँ कि हम लोग अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमको डिवाइड करना पड़ता है, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसी तरह का जो नियम मैथ में जो नियम होता है वो हमेशा एक ही नियम होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें हम लोगों को मिलेगा एक्सरसाइज 63 मिलेगा, जिसमें कि कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो आइए मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 63 को पेपर में बनाकर दिखाता हूँ। तो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं पेपर पर और ये एक्सरसाइज 63 है, चैप्टर 12, मेजरमेंट ऑफ टाइम। और इसको हम लोग इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है। कन्वर्ट मतलब पहले भी बतला चुके हैं, कन्वर्ट मतलब चेंज करना, बदली करना। तो यहाँ क्या चेंज करने के लिए कहा गया है, इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। याद रहे कि आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसको समझना है, तभी आप बना पाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपसे नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ क्या बोल रहा है, 5 आवर्स इन 2 मिनट्स, 5 घंटे मिनट में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो 1 घंटे में हम लोग जानते हैं कितना मिनट होता है, तो 1 आवर, तो इसको बनाना आसान है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो 5 घंटे में कितना मिनट होगा, तो इसको किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे दिखाना है कि वन आवर सिस्टम से बनाना है। तो इससे क्या होगा कि प्रोसेस से बनाएंगे तो गड़बड़ी नहीं होगा। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अब मिनट को हम शॉर्ट में इसको इस तरह से लिखते हैं। तो मेरे पास कितना आवर है, 5, तो 5 आवर्स लेते हैं। 5 आवर्स इक्वल टू ये 60 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 आवर्स है और 60 1 आवर में होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 60 और 5, तो 6 5 जा 30 होता है, तो 30 पे एक जीरो आ गया, तो कितना हो गया, 300 मिनट्स। ये आंसर हो जाएगा इसका, 5 घंटे में 300 मिनट होते हैं, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी ठीक उसी तरह से बनाना है। 8 आवर्स 20 मिनट्स, अब यहाँ पे आवर्स सिर्फ था और यहाँ पे आवर्स भी है और मिनट्स भी है, तो हमको मिनट्स को चेंज नहीं करना है क्योंकि मिनट में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमको सिर्फ आवर्स को चेंज कर देना है और मिनट को उसमें प्लस कर देना है। तो यहाँ पे 1 आवर तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ देख चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं क्योंकि बार बार लिखने से क्या होता है, आपको दिमाग में ये बात बैठ जाता है, आप समझ जाते हैं इसको, इसीलिए रिपीट होना बहुत जरूरी है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 8 आवर मेरे पास है, 8 आवर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 60, तो जीरो वाला मल्टीप्लायर मैं पहले बता चुका हूँ। 8 5 जो 40 हो गया, 8 6 जो 48, तो 48 पे क्या करेंगे, जीरो एक तो लगा देंगे, यहाँ पे हो गया। और इसमें क्या है, इसमें प्लस करना है 20, पहले से मेरे पास है जो मिनट है, ये मिनट हो गया प्लस 20, कितना हो गया, कंप्लीटली हो गया 500 मिनट्स। मिनट में चेंज करने के लिए बोल रहा है तो मिनट्स हो गया ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें भी इसी तरह से आएगा, 3 मिनट्स इनटू सेकंड्स, अब मिनट है और सेकंड में चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, ये हम लोग जानते हैं। तो मेरे पास कितना मिनट है, 3, तो 3 मिनट यहाँ पर लेते हैं इक्वल टू, तो 3 और इसके साथ ये 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 6 12 6 18, तो 6 3 18, तो 18 पे एक जीरो आ गया, इक्वल टू 18 पे एक जीरो, मतलब 180 सेकेंड, यही आंसर है कंप्लीट। और
डी नंबर में 14 मिनट्स 30 सेकेंड, अब मिनट भी दिया हुआ है, सेकेंड भी दिया हुआ है और सेकेंड में इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम सिर्फ कन्वर्ट करेंगे और इसको उसमें ऐड कर देंगे। तो वन मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, मेरे पास कितना है 14 मिनट्स है 14 मिनट्स, तो इसको कितना सेकेंड हो जाएगा, तो 14 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 का टेबल हम लोग पढ़ लेंगे, 14 6 84 होता है, तो 84 लिख दिया और ये जीरो आ गया यहाँ पे, और ये प्लस जो है सेकेंड जो 30 सेकेंड बचा हुआ है, तो ये 30 इस पर प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे 40 हो गया और ये 30, तो 70 हो गया, मतलब 870 सेकेंड्स, ये आंसर हो गया। इस तरह से आसानी से कन्वर्ट करते कर सकते हैं हम लोग ई नंबर में 1 आवर 10 मिनट्स इनटू सेकेंड्स। अब थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ये आवर में दिया हुआ है और सेकेंड में बनाना है, तो 1 आवर को यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, मिनट को भी सेकेंड बनाना है, और इसको तो बनाना ही है, तो 1 आवर थोड़ा सा लंबा होगा ये, तो 1 आवर को सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, मिनट में बनाएंगे, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट हो गया और ये 10 मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट हो गया, और इसके बाद दिया हुआ है 10 मिनट्स, तो 60 प्लस 10 70 मिनट्स हो गया, 70 मिनट्स। अब इसको हमको बनाना है, 70 मिनट को सेकेंड में चेंज करना है, तो वन मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 70 मिनट कंप्लीटली, मिनट हमारे पास 70 है, तो 70 मिनट इक्वल टू 70 इंटू 60, 7 6 42 हो गया, 7 6 42, तो इस पर 2 जीरो आ जाएगा, डबल 0 इस पर आ गया, मतलब इतना सेकेंड हो गया, इतना सेकेंड, ये आंसर है, हो गया। इस तरह से आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट, इसमें भी कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे ज़्यादातर सब क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ है। 5 ईयर्स इन 2 मंथ्स, अब ईयर्स में दिया हुआ है, 5 ईयर को 5 साल को महीने में चेंज करना, तो 1 ईयर्स इक्वल टू कितने महीने होता है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स हो गया, तो हमारे पास कितना है, 5 ईयर्स, क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, कितना हो जाएगा इक्वल टू 12 5 60, तो 60 हो गया, ये मंथ हो गया 60 मंथ्स, हो गया, ये आंसर है कंप्लीट। यहाँ पे बी नंबर में थोड़ा सा लंबा किया हुआ है, तो यहाँ पे 3 मंथ और मंथ में इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको सिर्फ कन्वर्ट करेंगे 4 ईयर्स को, तो 1 ईयर इक्वल टू 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, यहाँ पे जगह कम है, अब इसी में हमको चलना पड़ेगा, तो 4 ईयर्स इक्वल टू 4 इंटू 12, तो 12 का टेबल हम लोग फॉरवर्ड पढ़ेंगे, 12 4 48, तो 48 मंथ हो गया, 48 मंथ हो गया, और 3 मंथ पहले से दिया हुआ है मंथ में है, तो ये क्या हो जाएगा, 48 प्लस 3 कितना हो गया, 51, ये हो गया मंथ्स, 51 मंथ्स, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पे कन्वर्ट करना है 7 मंथ्स 20 डेज इनटू डेज में चेंज करना है दिन में, तो 1 मंथ सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि वन मंथ में कितने डेज होते हैं, कितने दिन होते हैं, 1 मंथ इक्वल टू 30 31 30, इस तरह से होता है, तो 30 जनरली मानते हैं कि 30 होता है, 30 डेज इसी से बनेगा। अब हमारे पास कितना है, 7 मंथ है, तो 7 मंथ इक्वल टू 7 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 7 3 21, कितना आ गया, 21 पे 1 0 आ गया, तो इतना मंथ हो गया, इतना डेज हो गया 210 डेज, और पहले से मेरे पास कितना दिया हुआ है, 20 डेज दिया हुआ है, तो 210 में 20 प्लस कर देंगे, तो 230 हो गया, 230 डेज, काफ़ी आसान है, इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब आ गया इसमें 3 वीक्स 2 डेज इन 2 डेज, तो वीक में दिया हुआ है और डेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं कि वीक जो होता है, एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो 1 वीक लिखते हैं यहाँ पे, 1 वीक
इसमें क्या करना है, जो प्रोसेस मैं बतला रहा हूँ बस उसी प्रोसेस में चलते जाना है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मैथ एक ऐसा चीज़ है कि आप प्रोसेस में चलते जाइए और मैथ अपने आप बन जाएगा, यही होता है। तो वन वीक इक्वल टू 7 डेज, 7 डेज। अब मेरे पास कितना है, 3 वीक्स है, तो 3 वीक्स यहाँ पे, तो 3 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे, वीक्स इक्वल टू 3 × 7, ये हो गया 7 × 3 = 21, 21 डेज हो गया, यहाँ पे 21 आ गया। तो 21 और मेरे पास कितना है, 2 डेज ऑलरेडी है पहले से, तो 21 + 2 कितना हो गया, 23 डेज, यही तो आंसर है, ये हो गया, काफ़ी आसान है। अब जो है 2 ईयर्स, 200 डेज इन 2 डेज, अभी हम लोगों को बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में हम लोगों को क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए काफ़ी आसान हो रहा है। इसके बाद हम लोगों को छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस लेते हैं, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स 200, तो डेज में बनाना है, तो 1 ईयर इक्वल टू कितना डेज, तो वही लिखते हैं, 1 ईयर, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, इतना ही होता है, एक साल में 365 दिन होता है। तो मेरे पास कितना है, 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स में कितने दिन हो जाएंगे, 2 ईयर्स में 365 डेज जो है वो डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 365 × 2 = 7, मतलब ये हो गया 2 ईयर्स में कितने दिन हो गए, 730, और मेरे पास पहले से कितना है, 200 डेज पहले से है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 730 + 200, 729 हो गया, 930 डेज, बस ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर एफ उसी तरह का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वीक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ईयर्स में उसको चेंज करना है, ईयर्स को चेंज करना है, वीक्स में सप्ताह में चेंज करना है। तो एक 1 ईयर में कितने वीक होते हैं, एक साल में कितने सप्ताह, 1 ईयर इक्वल टू कितने सप्ताह, अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या करना है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 डेज, और पूरा टोटल जो होता है 365 एक साल होता है, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो 52 या उससे कुछ ज़्यादा आता है, लेकिन 52 माना जाता है, 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स, ये हो गया। तो मेरे पास कितना है, 3 ईयर्स है, तो 3 ईयर्स इक्वल टू कितना हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 52 को, कितना हो जाएगा, 52 × 3, 3 × 2 = 6 हो गया, और 5 × 3 = 15, 15 = 156, मतलब इतना वीक्स हो गया, इक्वल टू 156, और मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, 2 वीक्स पहले से दिया हुआ है, तो 156 + 2, तो 158 हो गया, 158 वीक्स, ये आंसर है, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ भी कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है, जब थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, अब हम लोग बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे थे, लेकिन अब छोटा यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तब हम लोग इसका प्रोसेस कैसे चलेगा, तो 1200 मिनट्स × आवर्स, अब मिनट को आवर्स में चेंज करना, पहले भी हम बता चुके हैं कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मिनट हम लिखेंगे, प्रोसेस उसी तरह करेगा, उलट जाएगा, 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू कितना आवर, कितना आवर, इसको जानने के लिए सिंपली आप इस तरह से जानिए, सपोज 1 आवर, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट्स होता है 1 आवर, तो अब इसको जस्ट उल्टा करना है, 1 आवर, तो उल्टा करना है, तो उल्टा में क्या होगा, 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू कितना आवर, तो जैसे यहाँ 60 लिखे थे, अब यहाँ ठीक उल्टा करना है, 1/60 लिखना है, 1/60 आवर, ये होता है। तो इस तरह का थोड़ा सा दिमाग में आप लोग रखेंगे, क्योंकि ये सब मैथ जो होता है वो सिर्फ 5 क्लास में ही काम आने वाला नहीं है, आने वाले क्लास में सब यही सब चलता है, थोड़ा सा वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है और कुछ नहीं होता है, लेकिन रहता ये है, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आगे का मैथ नहीं बना पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखना है, प्रैक्टिस करना है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहना, अदरवाइज जो है दिमाग से उड़ जाएगा। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर, ये हो गया। तो मेरे पास कितने मिनट हैं, 1200 मिनट्स इक्वल टू, तो कितने हो जाएंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/60 × 1200, ये इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको यहाँ लिख सकते हैं, 1200/60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 60 से इसको डिवाइड करना है, हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 1 0 0 को काट सकते हैं, और फिर 6 से 120 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया रहता है, मिनट, सेकेंड,
आवर इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है उसमें आप इस तरह का काम मत कीजिएगा, आप 60 डायरेक्ट उससे डिवाइड कीजिएगा, अदरवाइज गलती होने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक रफ पेज ले लेते हैं, मेरे पास एक रफ पेज है। तो यहाँ पे कितना हम लोग को डिवाइड करना है, 60 से 1200, तो इसको 62 जा 120 हो जाएगा, कट गया कट गया, ये जो है नीचे जीरो आया, और जब नीचे जीरो आता है और डिवाइड नहीं लगने पर क्या होता है, वो जीरो चला जाता है ऊपर यहाँ पे। तो क्या आ गया, 20 आ गया। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा था, तो ये हो गया 20 आवर्स। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या है, 150 मिनट्स इंटू आवर्स एंड मिनट्स, 150 मतलब 150 मिनट है और इसको चेंज करना है आवर्स और मिनट में चेंज करना है। तो 1 मिनट प्रोसेस को लिखेंगे, 1 मिनट, अगर इसको हम बार बार नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, मैं तो जानता ही हूँ लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगा, इसीलिए आपको बार बार लिखना है। कोई भी फॉर्मूला होता है तो उसको बार बार आप लिखिए, क्योंकि ज़्यादातर आजकल बच्चे जो हैं रट्टा मारकर याद नहीं करते हैं, और रट्टा मारा हुआ चीज़ हमेशा के लिए तो रहने वाला है नहीं। तो ये हो गया। अब हमारे पास कितने मिनट हैं, इतना है 150 मिनट, और ये क्या हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 150 बाय 60। अब यहाँ पे जो बात हम बता रहे थे यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, 150 इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं इस तरह से, लेकिन वैसा नहीं करना है। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 60 150, तो इसको डिवाइड करते हैं तो 62 जा 120 आता है, 2 120 कितना हो गया, ये जीरो हो गया और ये 3, मतलब 2 आवर्स 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, इक्वल टू 2 आवर्स एच लिख देते हैं और 30 मिनट्स लिख देते हैं मिनट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या है कि आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम ये जीरो काट दिए, जीरो काट दिए तो 15 बाय 6 हो जाता है, तो 6 हम क्या करेंगे, इसको 15 को डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना 3, तब 2 आवर्स 3 मिनट 2 आवर 3 मिनट्स ये आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, तो ये आंसर सही हो रहा है 30। इसीलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए कि 60 है तो 60 से डिवाइड देना है, ना कि 6 से डिवाइड करना है, 0 0 को हमको काटना नहीं है। और आगे बनाते हैं, बी के बाद सी नंबर में आएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर सी में। अब यहाँ पे सेकंड्स दिया हुआ है और फिर 1400 सेकंड्स दिया हुआ है, उसको मिनट में चेंज करना है और सेकंड में भी चेंज करना है, दोनों चीज़ में चेंज करना है। 1 सेकंड इक्वल टू कितना मिनट, तो इस तरह का इसमें भी छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना है, तो वही प्रोसेस होगा। 1 सेकंड इक्वल टू 1 बाय 60 मिनट, तो हमारे पास कितने सेकंड, जितना है उतना ले लेते हैं, 1400 सेकंड है हमारे पास, तो इसको क्या करना है, मिनट और सेकंड दोनों में चेंज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1400 और इसको डिवाइड करना है 60 से डिवाइड करना है, ना कि 6 से डिवाइड करना है, इसको हम काट सकते हैं, वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। इसको बार बार मैं आपको डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप रफ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 23 मिनट्स 20 सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा, आप रफ करके देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ है, आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स, यहाँ पे इसको कितने चीज़ों में, 3 चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया, इतना सेकेंड्स है, तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को, मिनट्स में चेंज करना होगा, तो 1 सेकेंड प्रोसेस वही रखेंगे, 1 सेकेंड इक्वल टू हमको मिनट में चेंज करना है, तो 1 बाय 60 मिनट हो गया, और हमारे पास कितना है, 7290 सेकेंड को हम लोग मिनट में चेंज करने के लिए 7290 को हम 60 से करेंगे डिवाइड, तो इसको 60 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, इसको अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 121 आएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 30, तो वो 30 जो है वो सेकेंड बन जाएगा। हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, ये हमारा आ गया 121 मिनट 30 सेकेंड, तो ये कम्प्लीटली आंसर नहीं है। अब ये जो है इसको कन्वर्ट करना है हमको आवर्स में, मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 60 से करेंगे डिवाइड, तो डायरेक्टली कर देते हैं, इसको 121 को करते हैं 60 से डिवाइड, अगर इसको हम 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 6 2 जा
120 होता है, तो 2 आवर्स आ जाएगा और बच जाएगा 1 मिनट, 2 आवर्स 1 मिनट, ये हो गया। और सेकंड्स क्या बचा हुआ है ये, तो मतलब फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 आवर्स 1 मिनट 30 सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में मंथ्स डेज वीक्स इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इतना मंथ्स है 172 इंटू ईयर्स एंड मंथ्स, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है ईयर्स में और मंथ्स में, मतलब साल और महीना दोनों में कन्वर्ट करना है। तो इसको प्रोसेस वन मंथ इक्वल टू एक महीने में कितना साल हो गया, तो 1/12 ईयर्स, तो हमारे पास कितने मंथ्स हैं, 172 मंथ्स कितने हैं, तो कितने ईयर्स हो जाएंगे, तो 172/12, तो आइए मैं इसको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, रफ करते हैं इसको, 172 12 से 172 को करते हैं डिवाइड, 12 1 जा 12 12 हो गया, ये हो गया 5 और ये कट गया यहाँ पे ये 2, तो 12 4 जा 48 हुआ, तो 48 ही होगा, 12 4 जा 48, तो कितना हो गया ये 4 हो गया और यहाँ पे कट गया, मतलब बनाना क्या है ईयर्स में बनाना है, तो 14 ईयर्स और ये मंथ हो जाएगा, जो रिमाइंडर हो गया वो मंथ में आ गया, तो इसका बना क्या 14 ईयर्स 4 मंथ्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, 520 डेज, अब डेज है यहाँ पे, इसको मंथ बनाना है और डेज भी बनाना है, तो 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज, तो 1 डे इक्वल टू 1/30 मंथ, प्रोसेस ये रहेगा, 1 डे इक्वल टू 1/30 मंथ, ये हो गया। तो हमारे पास दिन कितने हैं, 520 डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 520/30, ये हो गया। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 70 मंथ्स 10 डेज, आप इसको रख करके देख सकते हैं, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी, तो इसमें क्या करना है, वीक्स को मंथ में चेंज करना है और वीक्स में भी चेंज करना है, तो वीक्स, तो मंथ, 1 मंथ इक्वल टू कितने वीक्स हुए, 4 वीक्स, तो 1 वीक इक्वल टू कितने मंथ हुए, तो 1/4 1 वीक इक्वल टू 1/4 मंथ, ये हो गया। तो हमारे पास वीक्स कितने हैं, 19 वीक्स इक्वल टू ये 19 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, इससे अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16 उतने ही बार में जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, तो 4 मंथ्स आ गया, 4 मंथ्स और बच कितना गया, 16 इसमें चला गया, तो 3 बच गया, 3, तो 3 वीक्स हो जाएगा, 3 वीक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, 4 मंथ 3 वीक्स। क्वेश्चन नंबर डी में डेज है और ईयर्स में और डेज दोनों में चेंज करना है, तो समझिए कि इसका प्रोसेस क्या होगा, 1 ईयर्स इक्वल टू कितने डेज, 360 डेज, तो 1 डे इक्वल टू कितने ईयर्स, 1 डे इक्वल टू कितने ईयर्स हो जाएंगे, तो 1/365 डे ईयर्स, ईयर एक दिन में इतने साल, तो दिन हमारे पास कितने हैं, 725 डेज। अब इसको क्या करना होगा, 725 ऊपर जाएगा और ये नीचे जो है 365 ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इससे डिवाइड अगर हम करेंगे तो 1 बार में जाएगा, तो क्या हो गया, 1 ईयर, और इसमें बच जाएगा 360 डेज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा,
ये इसका आंसर हो गया। तो आइए मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 365 और 725, तो अगर हम इसको टू बार में लेते हैं तो कितना होता है, तो टू से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 365 को टू से मल्टीप्लाई कर, 5 2 10, 0 1 बच गया, 6 2 12 12 और 1 13 हो गया, 3 फिर 1 बच गया, 3 2 6 6 और 1 7 7 30, और यहाँ पे है कितना 7 725। तो इसका मतलब है कि 1 बार में ही जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। तो 365 ये हो गया 0 और यहाँ 12 में से 6 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया 6 हो गया, 6 में 3 3 3, तो 360 डेज बच गया, 1 ईयर आ गया, 1 ईयर 360 डेज, ये हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से आप रफ कर सकते हैं। अब ई नंबर लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वीक्स को ईयर्स बनाना है, सब में थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट किया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। तो अब सोचिए कि 1 ईयर्स इक्वल टू कितने वीक्स, तो 1 ईयर्स इक्वल टू 52 वीक्स, तो 1 वीक इक्वल टू कितने ईयर, तो 1 वीक इक्वल टू 52 ईयर्स इसमें होता है, 52 वीक्स होता है, तो 1/52 ईयर। हमारे पास कितने हैं, 114 वीक्स, तो क्या हो जाएगा, 114/52, ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पे कर लेते हैं 52 114, यहाँ पे इसको टू बार में कर जाते हैं, तो 50 और 50 100 हो गया, और 2 2 4 104, टू बार में, तो टू बार में जाएगा 104 हो रहा है, और यहाँ 114 है, थ्री बार में नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो टू बार में ले जाते हैं इसको, 104 तो 0 और ये 1, ये कट गया, तो मतलब कितना हो गया, बनाना कितना क्या है, ईयर्स एंड वीक्स, तो ये ईयर्स हो गया वाई और ये हो गया वीक, तो मतलब कितना आ गया, ये 2 ईयर्स 2 ईयर्स 10 वीक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।